अगर आपको पता चले कि सरकारी सिविल अस्पताल में आपका इलाज डॉक्टर नहीं कोई सजा याफ्ता कैदी करा तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? जी हाँ, लुधियाना के सिविल अस्पताल में एक ऐसी ही डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही में एक मरीज की मौत हो गई है और इस पूरे मामले में इलाज की लापरवाही की वीडियो एक मोबाइल फोन में भी कैद हुई है। दूसरी तरफ जब हमने इस पूरे मामले में उस डॉक्टर से बात करनी चाहिए जिसका नाम डॉक्टर नवदीप है, जो इस वीडियो में कैदी के साथ मौजूद है, मरीज के बेड के पीछे खड़ा था, पहले पहल तो वह कैमरे से भागता नजर आया, फिर किसी तरह जब हमने पूछना चाहा तो डॉक्टर साहब का कहना था कि वह खुद इलाज कर रहे थे, पर जब हमने कहा हमारे पास वीडियो है तो डॉक्टर साहब के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सुनिए क्या कहना है डॉक्टर साहब, कैसी लापरवाही करने के बाद लापरवाही से भी जवाब दे रहे हैं। फोन आया, देखो जी मैनू फोन आया कि पेशेंट इन्ना नहीं, मैं आइडिया मैनू भी थोड़ा देर हुई है, यह नहीं मैं पता कि स्टाफ कौन है, यह काम जरूर करते हैं, इन्ना नहीं मैं पता जी, इन्ना नहीं मैं आइडिया है, मैं तो जी देखो देखो यह नहीं मैं पता जी उपर की करते हैं, मैनू फोन नहीं नहीं देखो बिल्कुल वह तो मैं पता सरकारी कर्मचारी है, मैं आइडिया नहीं नाम की वह तो मैं देखा वार्ड मतलब वार्ड में काम करता मुंडा का वो काम करते हैं, मैं थोड़ा टाइम होया हूं ये मैं पता कौन है, मैं तो बिल्कुल जाके उन्होंने अटेंड किया, वह थोड़ी कितने सीपीआर दूंगा जी, सीपीआर मैं दे रहा सीगा। आपको यहां पे एज ए क्या कर रहे हो, सिविल हॉस्पिटल में क्या लगाया? सेवा के लिए लगाए सर, सर हमारी सेवा है, जिस सेवा लगाई हुई जब नाइल में थे जब उसमें से हमारी सेवा लगी हुई। आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे थे, आपको पता है कुछ? डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर ने बोला था जी सर, डॉक्टर ने बोला था तो पेशेंट को डेथ होगी, आप ट्रीट कर रहे हो उसको के लिए? सर हमारे सभी सीनियर हैं, हमें जो भी आता है साफ सफाई करो ये करो वो करो सब हमें करना पड़ता है, हम सीनियर के कुछ बोल नहीं सकते मैम। उसको ट्रीट क्यों कर रहे हो सीरियस पेशेंट को? सर उन्होंने बस बोला ऐसे ऐसे दबाओ सर जी। वहीं इस पूरी लापरवाही को लेकर अस्पताल के एसएमओ कुलविंदर सिंह का भी जवाब लापरवाही वाला सामने आया है। जब हमने पूछा कि एक जुवेलाइन जेल से 376 रेप के मामले सजा याफ्ता कैदी मरीज का इलाज कर रहा था तो जिसकी मौत हो गई है, तो एसएमओ साहब कहने लगे कि इसको ट्रेनिंग दी गई है। देखो डॉक्टर आप भी दिती होने सीपीआर होने है ना, ये प्रोसेस होता कि लगातार करना, वैसे तो देखो ये सिखाया जाता जो साढ़े अस्पताल के ईवन क्लास फोर साढ़े स्वीपर असी उन्होंने भी सिखाने कि जे एमरजेंसी कोई पेशेंट नूं प्रॉब्लम आ जाती असी मतलब कि उन्होंने लैक्चर भी लेने कि उन्होंने सिखाया जाता कि किदा रेसस्टिकेट करता। वारे एसएमओ साहब आप काबिले तारीफ हैं, जो कैदी आपके पास सजा काटने के लिए आए हैं अस्पताल में कैदियों को बिना पढ़ाई लिखाई के डॉक्टरी का पाठ पढ़ा रहे हैं और वही लापरवाही से लोगों के इलाज के दौरान जान भी ले रहे हैं। यह है लुधियाना का सिविल अस्पताल का पूरा लेखा जोखा। यूजे न्यूज़ के लिए लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट।